नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गोटा बनाना सिखाते हैं। गोटा हम लोग गढ़वाली में नमक को बोलते हैं, जिसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, लहसुन, धनिया, जीरा, काला तिल, ये सफ़ेद तिल है दोस्तों, इसको अब हम नमक में डालेंगे। ये हमने व्हाइट तिल डाल दिया दोस्तों, व्हाइट तिल डाला, ये हमने अभी भुना, अभी गर्म है। और अब हम ये अच्छा तो ये हरी मिर्च है दोस्तों, ये लहसुन, ये मिक्स मसाला, ये नमक। यू मसाला क्या तेल है तुम? ये इसको दोना बोलते हैं, मसाला ही। और ये लहसुन, हरा लहसुन कहते हैं, आप एक बार देख लो। जो व्हाइट तेल हमने पीसा था उसका पेस्ट ये हो गया है। यहाँ पर घर पे शिवालय बना हुआ है और शेषनाग जी है और पानी का बर्तन, इसमें पानी भरते हैं, टपकता रहता है। और ये तुलसी का पौधा है और सामने गाय भजन और बछड़ा बंधा हुआ है। सुबह सुबह यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं गाय का। दोस्तों देखो, आपको बता देते हैं कि ये नमक पीस के तैयार हो गया है, मिक्स नमक। और ये ब्लैक तिल है, वो सॉरी वाइट तिल है जो आपको बताया था। अब आपको बताते हैं हम इसको किस चीज़ में खाने वाले हैं। ये नमक अब हम, ये संतरा की प्रजाति होती है लेकिन ये थोड़ी खट्टापन आता है इसमें, इसको हम लोग पहाड़ी भाषा में माल्टा बोलते हैं। और इसके अभी बीज निकाल रहे हैं अंदर से, और उसके बाद हम ये नमक काला तिल इसमें मिक्स करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।